यूपी में अपराधियों में एनकाउंटर का खौफ है। शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र में एक साथ कई अपराधियों ने थाने में सरेंडर किया। बदमाशों ने पुलिस के सामने जीवन में कभी अपराध नहीं करने की कसम भी खाई। बागपत में तालाब के अवैध भूमि पर चला योगी का बुलडोजर। कब्जा मुक्त कराई तालाब की जमीन। लोगों की शिकायत पर तालाब की जमीन को मुक्त करवाया गया। जिला प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से अवैध अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। गाजियाबाद की थाना भोजपुर पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में दो बदमाश घायल हो गए, दो गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए बदमाशों ने मेरठ में लूटा था ट्रैक्टर। लखीमपुर खीरी में नामांकन जांच में सपा के एमएलसी प्रत्याशी अनुराग वर्मा और निर्दलीय प्रत्याशी नवनीत शुक्ला का पर्चा कैंसिल। भाजपा के प्रत्याशी अनूप गुप्ता की हुई जीत। भाजपा के समर्थकों ने खुशी में की नारेबाजी। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा। तेल कंपनियों ने 80 पैसे की बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हुआ। आगरा के ताज महोत्सव में तीसरे दिन कॉमेडी कलाकारों ने लोगों को जमकर गुदगुदाया। हंसी ठहाकों से लोगों का जमकर हुआ मनोरंजन। कॉमेडियन सुनील पाल और सुरेश अलबेला के जोक्स पर ठहाके लगाते दिखे लोग। वाराणसी में प्रमोशन के आखिरी दिन फिल्म आरआरआर के लीड एक्टर और डायरेक्टर ने देखी गंगा आरती। दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में एसएस राजा मौली, रामचरण और जूनियर एनटीआर ने गंगा आरती में हिस्सा लिया। मेरठ में एमएलसी चुनाव में पर्चा निरस्त होने से फूट फूट कर रोई महिला प्रत्याशी पूनम सिंह। मेरठ गाजियाबाद से एमएलसी चुनाव लड़ने के लिए कई महीनों से कर रही थी मेहनत। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किया था नामांकन। गाजियाबाद की रहने वाली महिला प्रत्याशी पूनम ने कहा कि बेवजह उसका पर्चा किया गया निरस्त। दलित होने की मिली सजा, अपने बच्चों को घर छोड़कर चुनाव की कर रही थी तैयारी। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही। एटा में एमएलसी चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच के दौरान फिर हुआ बवाल। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में रिटर्निंग अफसर के रूम में जाते समय बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सपा एमएलसी प्रत्याशियों को खदेड़ा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ही दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सपा प्रत्याशी उदय वीर सिंह ने कहा कि जिला अधिकारी एटा और एसएसपी एटा दोनों ने आपराधिक षड्यंत्र करते हुए हमला कराया है। हमारे पर्चे खारिज कराने का षड्यंत्र रचा गया। भाजपा के गुंडों के साथ साथ ये उतने ही दोषी हैं। दोनों का तत्काल सस्पेंशन होना चाहिए।